हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये गार्डेनिया का प्लांट है, इसको गंधराज कहते हैं। इसकी खुशबू के कारण इसको गंधराज कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला प्लांट है। इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं और इसके फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस काफ़ी समय तक बनी रहती है। ये एक बहुत ही सुंदर पौधा है, इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये एक एवरग्रीन प्लांट है। ये पूरे साल आपके पास रहेगा, लेकिन ये फ्लावरिंग केवल स्प्रिंग सीजन से लास्ट समर तक ही करेगा। लेकिन ये जितनी फ्लावरिंग पूरे सीजन में करता रहेगा, उससे ये आपको बहुत खुश कर देगा। इसलिए आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट किया है, देख सकते हैं आप कितनी हेल्दी कंडीशन में है ये। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए आप 6 से 7 इंच बड़ी इसकी कटिंग लें और उसको रेनी सीजन में ग्रो करें। फेब में भी ग्रो कर सकते हैं, फेब्रवरी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको रेनी सीजन में भी आप जुलाई अगस्त के टाइम ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग को। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इसको सनलाइट अच्छी चाहिए, लेकिन समर में आप इसकी सनलाइट पे ध्यान दें, क्योंकि मई जून में बहुत ज़्यादा धूप होती है। इसलिए इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर जहाँ सुबह शाम की धूप आती हो इसको वहाँ रखें, क्योंकि उससे इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जलती नहीं हैं और ये प्लांट हेल्दी रहता है। अब हम इसको पॉट में से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें रेड मिट्टी का यूज़ किया गया है। ये काफ़ी हार्ड होती है और ये रूट्स को हवा नहीं लगा पाती, उससे जो प्लांट होता है वो डेड होने लगता है। इसलिए आप जो ये रेड मिट्टी हमारी नर्सरी से आती है इसको हटा दें। ये जो आपको वाइट वाइट मिट्टी में दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने फंगस पाउडर का फंगीसाइड का यूज़ किया है, जिससे इसमें फंगस नहीं लगती है। लेकिन आप इस मिट्टी को हटा दें और अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल में काउडंग मिला करके और रिवर्स सैंड मिला करके पॉटिंग मिक्स रेडी करें और उसमें इस प्लांट को ग्रो करें। देखिए, ये रेड मिट्टी जो होती है ये प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप इस रेड मिट्टी को हटा दें, क्योंकि ये ख़तरनाक होती है प्लांट के लिए। ज़्यादा गर्मी में इस प्लांट में आप 2 बार पानी दें, क्योंकि तेज़ गर्मी के कारण इसका पानी सूख जाता है और उससे जो पॉट है वो सूख जाता है। इसीलिए आप इसको गर्मियों में 2 बार वाटरिंग करें। पोरस मिट्टी पसंद होती है, क्योंकि पोरस मिट्टी के थ्रू जो जड़ों को जितना पानी चाहिए उतना प्लांट ले लेता है और एक्स्ट्रा मिट्टी ड्रेनेज होल के से निकल जाती है। देखिए, हम इसमें पानी डालकर मिट्टी को अच्छे से घोल लेंगे और इस प्लांट को इसमें शिफ्ट कर देंगे। हमने इसकी जड़ों को धो लिया है पानी में, जिससे उसकी एक्स्ट्रा जो लाल मिट्टी थी वो निकल गई है। अब हम इसको इसमें ग्रो कर देंगे। इसको आप काउडंग ही दें, और अगर आपके पास एनपीके है तो आप 1 चम्मच एनपीके पानी में घोलकर उसको हर 15 से 20 दिनों में इस प्लांट में डालें। या फिर अगर आप घोलकर नहीं डालना चाहते हैं तो एनपीके के 4-5 दाने आप पॉट में दबा सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर उसमें एनपीके के 4-5 दानों को दबा दें। अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो आप 6-7 एनपीके के दाने भी ले सकते हैं, और अगर आपका पॉट थोड़ा छोटा है तो आप उसमें 4-5 दाने ही डालें, क्योंकि एनपीके काफ़ी गर्म होता है जो प्लांट की लीव्स को बर्न कर देता है। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसके जो आप इसके लीव्स पर वाटर स्प्रे ज़रूर करते रहें, क्योंकि जब हम लीव्स पर वाटर स्प्रे करते हैं उससे प्लांट फ्रेश लगता है और अच्छा दिखाई देता है और पत्ते भी उसके हरे रहते हैं। ये एक तरह का श्रब होता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मुझे मेरी बुआ ने गिफ्ट किया है। प्लांट गिफ्ट के पर्पज़ से बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको प्लांट ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। बेल बटन से आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इस टाइप से आप इसकी लीव्स पर वाटर स्प्रे ज़रूर करें, उससे लीव्स फोटोसिंथेसिस करने में आसानी होती है और प्लांट हेल्दी रहता है। थैंक यू।